हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। इसमें हम आज बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट वैकेंसी आरआरबी जेई के बारे में। तो ये आरआरबी जेई की वैकेंसी निकली हुई है, अभी 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हम किस जोन से इसमें फॉर्म लगाएं ताकि सबसे कम कट ऑफ जाए। तो मैंने यहाँ जोन वाइज, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल रखी है और इसमें साथ साथ वैकेंसी की डिटेल भी दे रखी है। तो आप इसमें वैकेंसी देख के, कट ऑफ देख के आप जिस जोन से फॉर्म लगाना चाहें उससे आप लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैटेगरी वाइज, वैकेंसी वाइज कट ऑफ और जोन वाइज वैकेंसी कितने हैं। तो अभी हम सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद के बारे में देखते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी 399 है। यूआर कैटेगरी की इसमें कट ऑफ रह सकती है 61%, ओबीसी 58%, एससी 54%, एसटी 49%। इसके बाद आरआरबी इलाहाबाद टोटल वैकेंसी हैं 1446, कट ऑफ रह सकती है इसकी यूआर 60%, ओबीसी 57%, एससी 55%, एसटी 50%। इसके बाद में देखते हैं आरआरबी अजमेर टोटल वैकेंसी हैं 825, कट ऑफ रह सकती है इसकी यूआर 58%, ओबीसी 56%, एससी 51%, एससी 48%। इसके बाद में आरआरबी बिलासपुर का देखते हैं तो टोटल वैकेंसी 404 है इसमें, और कट ऑफ रह सकती है इसकी यूआर 48%, ओबीसी 47%, एससी 44%, एसटी 39%। इसके बाद में आरआरबी बेंगलोर का देखते हैं, टोटल वैकेंसी 708 है इसमें, यूआर कैटेगरी में 55%, ओबीसी 52%, एससी 51%, एसटी 45% कट ऑफ रह सकती है इसकी। आरआरबी भुवनेश्वर की टोटल वैकेंसीज 242 हैं, यूआर कैटेगरी 57, ओबीसी 56, एससी 55, एसटी 50 कट ऑफ रह सकती है इसमें। आरआरबी भोपाल का टोटल वैकेंसीज 383 हैं, यूआर 57, ओबीसी 55, एससी 53 और एसटी 50% कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में आरआरबी देखते हैं, टोटल वैकेंसीज 383 हैं, यूआर 57, ओबीसी 55, एससी 53, एसटी 50%। इसके बाद में आरआरबी चंडीगढ़ टोटल वैकेंसीज 996, यूआर 63, ओबीसी 59, एससी 57, एसटी 54%। इसके बाद आरआरबी गुवाहाटी टोटल वैकेंसीज 586, यूआर 50, ओबीसी 47, एससी 42, एसटी 40% रह सकती है इसकी कट ऑफ। इसके बाद में आरआरबी गोरखपुर टोटल वैकेंसी 645 हैं, यूआर 58, ओबीसी 55, एससी 52 और एसटी 49% रह सकती है। आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर टोटल वैकेंसी 460, यूआर 55, ओबीसी 52, एससी 50, एसटी 48 कट ऑफ रह सकती है। आरआरबी कोलकाता टोटल वैकेंसीज 1519 है इसमें, यूआर 64, ओबीसी 58, एससी 56, एसटी 52 कट ऑफ। इसके बाद में आरआरबी सिकंदराबाद टोटल वैकेंसी 689, यूआर 65, ओबीसी 60, एससी 56 और एसटी 54 कट ऑफ रह सकती है। आरआरबी मुंबई टोटल वैकेंसीज 1544, यूआर 65, ओबीसी 61, एससी 60 और एसटी 53। आरआरबी सिलीगुड़ी टोटल वैकेंसीज 195, यूआर 50, ओबीसी 45, एससी 44 और एसटी 43 कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में आरआरबी पटना टोटल वैकेंसीज 299, यूआर 61, ओबीसी 58, एससी 55 और एसटी 50। इसके बाद में आरआरबी मालदा टोटल वैकेंसीज 248, कट ऑफ रह सकती है इसकी यूआर 58, ओबीसी 55, एससी 53, एसटी 52%। आरआरबी रांची टोटल वैकेंसीज 365, यूआर 52, ओबीसी 50, एससी 49, एसटी 47 कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में आरआरबी त्रिवेंद्रमपुरम है, ये टोटल वैकेंसी 137 है, यूआर 46, ओबीसी 44, एससी 43, एसटी 39। इसके बाद में एक छूट गया था, आरआरबी मुजफ्फरनगर टोटल वैकेंसीज 114 है, यूआर 61, ओबीसी 57, एससी 55 और एसटी 52। तो इस प्रकार टोटल 21 जोन्स की कट ऑफ है और वैकेंसी इसमें दी हुई हैं। आप इसके मुताबिक एनालाइज करके देख सकते हैं कि कौन सी जगह फॉर्म लगाने से हमें फ़ायदा होगा और उसी हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी थी आरआरबी जेई की कट ऑफ के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें।
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।